आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पुलिस तक पहुंचा चिचोली तहसीलदार के विरुद्ध कानून हाथ में लेने का मामला। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई आपराधिक घटना दब गई थी। चिचोली तहसीलदार के खिलाफ पुलिस में पहुंचा मामला। राजस्व न्यायालय अपने भ्रष्टाचार के लिए बदनाम। बैतूल, मध्य प्रदेश राज्य राजस्व न्यायालय अपने भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। समय समय पर राजस्व न्यायालय को बंद करने की आवाज राजनीतिक दल उठाते हैं तो सोशल मीडिया में भी राजस्व दल अदालतों के विरुद्ध अधिवक्ता आवाज उठाने लगे। राजस्व अदालतें कानून की प्रक्रिया को ताक पर रखकर कार्रवाई को अंजाम देती है। इस बार मामला तहसीलदार चिचोली के विरुद्ध पुलिस के पास पहुंचा और पीड़ित दलित समाज के हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना बैतूल में जब कोई व्यक्ति शिकायत करने के लिए जाता है तो पहले कहा जाता है कि आवेदन लेकर आओ, जांच कर लेंगे, और लिखित शिकायत आवेदन पर जांच कर नस्तीबद्ध कर दिया जाता है। कल्याण थाना ने इस बार तो आवेदन लेने से ये कहकर मना किया कि थाना प्रभारी नहीं है, इसलिए आवेदन दर्ज नहीं किया जा सकता। पुलिस थाना चिचोली के अंतर्गत सड़कपुरा चिचोली निवासी श्याम किशोर शेषकर पिता कालूराम शेषकर ने तहसीलदार चिचोली के विरुद्ध अन्याय अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अमला 31 मई 2023 को पहुंचता है। मौके पर लगे हुए वृक्षों को काटना चालू कर देता है, जिसकी पूर्व सूचना श्याम किशोर को नहीं थी। इस दौरान मौके पर अश्विन शेषकर कार्रवाई का वीडियो बनाने लग जाता है तो तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा अचानक भड़क जाते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। राजस्व अमले में मौजूद कर्मचारी अश्विन शेषकर की पिटाई कर रहे थे तब बीच बचाव के लिए पहुंची पुष्पा शेषकर को भी चोट लगी। राजस्व अमले पर आरोप है कि सबके पीछे महेंद्र राठौर का हाथ है तथा उसकी भूमिका बताई जा रही है। पीड़ित श्याम किशोर शेषकर ने इस घटना के पूर्व भी महेंद्र राठौर के विरुद्ध शिकायत की थी, जिस कारण वो आपसे रंजिश रखता था। तहसीलदार चिचोली की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में मात्र वृक्षारोपण को हटाया गया, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। एक तरफ सरकार वृक्षारोपण के लिए आम जनता को प्रेरित करती है, वहीं राजस्व अधिकारी सरकारी जमीन पर रोपित वृक्षों को अतिक्रमण मानता है। तहसीलदार की कार्रवाई सवालों की जद में आ चुकी है। अब सवाल ये कि सरकारी जमीन पर भवन निर्माण करना, दुकान बनाना अतिक्रमण है अथवा वृक्ष या पौधे लगाना, बगीचा लगाना अतिक्रमण? अत्याचार निवारण कानून में अनुसूचित वर्ग की रिपोर्ट दर्ज नहीं करना भी अपराध है तो तहसीलदार पर्यावरण कानून के दायरे में भी आ चुके हैं। इस घटना के बाद से सरकारी जमीन पर आम जनता वृक्षारोपण से पीछे हटने लगेगी। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के दलित संगठन सक्रिय हो गए। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। चिचोली से तहसीलदार द्वारा मुझे मारा गया एवं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, जिसके लिए मैं धरना प्रदर्शन और अपने परिवार के साथ मिलकर और सहभागियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन 7 तारीख से चालू कर रहा हूँ, जिसकी मैंने सूचना दे दी है। SP ऑफिस में ज्ञापन दिया है, तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और SDOP में आवेदन दिया है। धन्यवाद, आप लोग मेरा सहयोग करें।